क्या बात है भैया? देख तेरी भाभी तुझे बहुत परेशान करती है ना। हाँ भैया, कोई बात नहीं, आज बहुत परेशान करती है भाभी, तो आज तू मेरे साथ चल, मैं तुझे एक बहुत भुखराज मेला लगा हुआ है, मैं तुझे मेला दिखा कर लाऊंगा, जो खाएगी वो तुझे खिलाऊंगा। अच्छा भैया चल चलेगी। चल भैया मैं चलूंगी, चलो। और किनैन नहीं तो चैन कहाँ है, और पग पग पे कांटे, और कौन गंगा मैया का मेला चल रहा हो गया ना। अगर अपनी बहन के देखोगे तो अब क्या औरत छुप रही है, इसी जगह छोड़ दो, ये बियाबान जंगल है। लेकिन मेरे दोस्त अपनी बहन को छोड़ आया हूँ लेकिन मुझे चैन नहीं मिलता है। ये तो फिर मेहरिया को छोड़ आया यार भाई, और की जिंदगी की राह में रंज गम के Duck!
तब यहाँ बैठो हम पंचायत जले मिलाएगा मेरी बहन शांति। हाँ भैया कोई बात नहीं, तक मेला मेले में बहुत भीड़ है और मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आऊं, कुछ खा और पानी लेकर आऊं, तेरे पेट में कुछ पड़े तो उसके बाद तेरे चेहरे में चिकनी आ जाए। ठीक है भैया। और एक में भी तन्हा तो सौ में भी तनक सारे में हरा ही देखे मेहरिया के खाद तेरे बहने का जंगल में छोड़ गई। अरे जाओ सारे किरवा पर हैं, हम तो कहा देखे रहो कहाँ बिल्ली घाम ले को रहूं। हेलो भैया, बहना अखियां है प्यासी प्यासी मनवा मां पूरन आसी अब तक ना आयो मोरो साज। भैया तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए भैया? भैया और पल ही पल में क्या हो जाए, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए भैया? भैया अगर तुम्हें मुझे छोड़ा था मुझे क्यों बहाना बताया था भैया? मैं तुम्हारे साथ चली आती थी भैया, लेकिन मुझे भाभी बहुत मारती थी, बहुत सताती थी भैया। और दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना नहीं, कुछ छीना नहीं छीना मुझे मर जाना है। ये क्या जाने रब ये मुझको खो खो के मुझे मर ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, मिट्टी भरे शरीर का कोई क्या जाने, शरीर का कोई क्या जाने तक। ओ पल तो पल में क्या हो जाए, मिट्टी बनी शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं। पल ही पल में क्या
तेरा कैसा करिश्मा है, एक भैया के लिए तड़प रहा हूं, एक भैया के लिए तड़प रहे हैं। हे भगवान दारे मेरे भैया से कहना बहन भैया की याद में इतना परेशान है, बहन भाई में इतना प्यार होना चाहिए, तुम्हारे भैया कहाँ चले गए तुम्हें छोड़कर? मुझे नहीं मालूम कहाँ छोड़कर चले गए। देखकर भैया भैया की याद में तू परेशान, मुझसे किनारा कर गए लेकिन तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। अगर तेरे भैया ने किनारा किया है तो मेरे भैया ने भी किनारा किया है। एक बात मैं कहूँ देवी, तू परेशान मत हो, तू परेशान मत हो, मैं जानता हूँ कि तू परेशान है। अगर तू परेशान है तो ये हम भी परेशान है। एक बात कहूं अगर तेरी समझ में आए तो मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या बात है कहीं? और घबराने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, अगर उस मालिक की कृपा है तो जरूर भरोसा रखना, मेरी बात पे गौर करना। और क्या तेरे भैया, अगर तुम्हारे भैया ने अगर तुमसे किनारा किया है और किया तेरे भैया,
मैं तुझसे वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बता दो और किया मुझसे भैया के मुझसे ये बताओ तुम्हारे भैया ने तुम्हें इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? क्या परेशानी है? क्या बताऊं, मेरे भैया ने मुझे छोड़ के चले गए। मेरी भाभी ने बहुत मुझे मारती थी। क्यों मारती थी? ऐसी कोई भी ऐसी खता करती थी ना? तो क्योंकि मैं आंखों से देख नहीं सकती थी। क्या मुझसे काम कराती थी? तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं पड़ता? नहीं, इसलिए मेरे भाई ने मुझसे छोड़ के पता नहीं क्या चले गए। मैं जानता हूं बेसहारों को कोई सहारा नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं और मेरा भी कोई सहारा नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम मेरा सहारा बनने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैं कैसे मानूं कि मैं अंधी हूं और मैं इस अंधी का सहारा कौन बन सकता? कोई बात नहीं है, जिसमें की आंख में रोशनी नहीं होती है वही खुदा का बंदा असली होता है। और जिसकी आंख में रोशनी होती है ना जाने क्या क्या देख कर क्या क्या कर रहा है। मैं वादा करता हूं तेरी आंख में रोशनी लाऊंगा उस मालिक का अगर सच्चा बंदा हूं। और ज्यादा मैं तो उसे कुछ नहीं कह सकता हूं। अगर उस मालिक की मोहब्बत है तो उसको भी फेंक दूंगा। अगर तेरी मर्जी है, अगर खुदा की मर्जी है, बाबा को मजार पर लेके टिकटा को चलेंगे, बाबा को जुगाड़ बताएंगे। वो सच कहता है
वही तो होता है जो मंजूरे खुदा होता है। अगर भरोसा है तो आ मेरी बाहों में, आ मेरी किस्मत में, मैं तुझे कभी कष्ट नहीं दूंगा, ये वादा करता हूँ। मगर कभी गलती नहीं करना, कभी गलती नहीं करना, आ मेरी बाहों में। देख अगर तेरे भाई ने तुझे किनारा किया है, मैं किनारा नहीं करूंगा, वादा करता हूं। एक दिन मैं तुझे रानी ना बनाया तो मेरा भी नाम नहीं है। ए चल तू मेरे साथ, मैं तुझे भीख मांग के खिलाऊंगा। हाँ ये मत समझना मैं गरीब जरूर हूं। चल मैं तुम्हारे साथ हूं, चलिए। हे भगवान, हे मालिक, और ले लो दुआ गरीब से, तेरा सुखी रहे संसार, और बच्चों की किलकार से दुआ है भूखे गरीब की, और यही एक दुआ है। औलाद वालों फूल फल, औलाद वालों फूल फल, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, भूखे गरीब की यही एक दुआ है, औलाद वालों फूल फल, औलाद। घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे ये बाग हमेशा हरा रहे, गुट्टी गुंडा धन और दौलत घर में तुम्हारे सदा रहे, लत घर में जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, लात वाले फूल फल, लात वाले। ए पैसा तो पैसे से तुम्हारा कुछ न कटेगा दौलत वालों, दो पैसों से तुम्हारा कुछ न कटेगा दौलत वालों, पैसा तो पैसे से तुम्हारा कुछ न कटेगा दौलत, दिल दुआए धन से धन और बढ़ेगा, ले लो दुआए धन से धन और बढ़ेगा, तो ओ जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, औलाद वालों फूलो फलो। श्रीमान दुर्गा मिस्त्री पश्चिम गांव चौराहा
उनकी तरफ से 10 रुपया। दुर्गा मिस्त्री का कहना है, साईं मुझको इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं ना भूखा रहूं ना साधु भूखा जाए। जिसने दिया है निवासी गुलफाम के खालू साहब, ये 10 रुपया आप इस सीट पर कुछ होकर इनाम है पार्टी को हार्दिक स्वागत आपका खेल के। तेरा बाग हमेशा हरा रहे, घर में चोसे भरा रहे, ए बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर में चोसे भरा रहे, गुड्डी गुड़िया और खिलौने घर में तुम्हारे सदा रहे, बाग हमें तारा रहे। ओ जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। चलो अब तुम मेरे साथ चलो और मैं वादा करता हूं तुम्हें आज के बाद कोई परेशानी नहीं मिलेगी। हां साहब, रियाज की ओपी, रियाज की ओपी सेंटर गोरखपुर, उनकी तरफ से 23 रुपया इनाम है पार्टी को हार्दिक स्वागत है। भगवान का कल्याण करे या मालिक, तेरी दुआ उन पर लग जाए। आओ मेरे साथ। देखो इस जंगल में हमारा तुम्हारा कोई साथी नहीं है, अगर उस मालिक की कृपा हो जाए या मालिक, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया है। सच्चाई का मार्ग कितना कठिन है, एक होता है। चल आज ही आराम करते हैं, फिर देखा जाएगा सुबह क्या होता है।